तो चूमू ने दवाई नहीं लगाई तो नहीं लगाई, मैं उसको इतनी जोर की इस वक्त मार सकती हूँ। चूमू आपकी माँ बदला लेगी, आज बदला लेगी तेरी माँ। तो रात के 12 बज रहे हैं, सॉरी 1 बज रहे हैं, और चूमू मार खा के आया बाहर से हाची से। मेरे को पता था हाची मार खा के आएगा, और सच में मार खा के आ गया। और फाइनली इसकी और हाची की घमासान लड़ाई होगी। राघव गया था बचाने चूमू को, जब राघव बचा रहा था चूमू को हाची से, तो हाची ने चूमू का कान पकड़ा हुआ था, मतलब गर्दन ही पकड़ी हुई एक तरह से, काट देता वो नहीं छोड़ा, वो मारने वाला था चूमू को जान से। देख सकते हैं चूमू का हाल, यहाँ पे भी लगी है, हाथ भी नहीं लगा अंदर और कान भी कट लगे हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों गए थे बाहर घूम खाने आधी रात को? तो चलो फर्स्ट एड तो है अभी मेरे पास, नखरे मारेगा। और नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सफाई कर रहे थे डंगर, देख रहे क्या कर रहे हैं? देखनास, देखनास, तभी मार खाया तुमने, देखनास। चूमू साफ कर रहे थे यार, खून साफ करने तो थोड़ा। डर गया चूमू, बहुत सदमे में, कोई बात लगा नहीं दे रहा हाथ यार जख्म पे। ऐसे लड़ेगा तभी तो मर्द बनेगा, जब आ जाके लड़, तेको लाने ही चाहिए इसको अंदर आज। नहीं बस खून कितना निकल रहा है, लगाने ही दे रहा दवाई। छोड़ यार, मर दूं मैं, मर्द का बच्चा हूं। राघव भैया से आगे आगे बीच में मरना, आज तो मैंने हाची को चूमू हमको पता चल गया है, हमको सब पता है, मार खा के आ गया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है राघव भैया, चुप हो गए ताकि सच्चाई ना पता चले, पीटा वाले ना आ जाए कि राघव भैया ने क्रुएल्टी कर दी। ये तो आज तो मैंने हाची को छोड़ना नहीं था। टांके लगे, इतना कट लगा हुआ है। चार टांके लगेंगे, टांके हाची को लगाओ, 50 टांके मार खाई आज उसने मेरे से। ओए कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, चूमू ने हाची को मारा, ईगो हर्ट हो गया। चूमू क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? आई एम नॉट हाची यार, छकल दे मेरी। चूमू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खौफ ज्यादा हुआ है इससे, खौफ ज्यादा हुआ, डरा हुआ है अभी, बहुत डरा हुआ है। तो चूमू ने दवाई नहीं लगाई तो नहीं लगाई, और मेरे को काट रहा है आगे से। सारे कुत्ते अभी मोहल्ले के हमारे घर आके रो रहे हैं, आई थिंक हाची इनको तंग कर रहा है, सबको डरा रहा है। ना कैसे पीछे पीछे भाग रहे, टेंशन ना लो हम तुम्हारे साथ हैं। पी ली ना यार, कितना ड्रामा करता चूमू यार, हल्दी वाला दूध भी नहीं पी रहा यार ये, पी लो। सुबह के 7 बज रहे और मैं अभी उठी, और चूमू की हालत इतनी ख़राब है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे हो गई आँख। और रात को मैंने बाद में देखा उसको कान के पीछे भी बहुत बड़ा काटा हुआ है हाची ने, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना हाची पे, दिल कर रहा है अब भी जाके डंडा ले जाओ। मैंने डंडा रखा है अपने पास, दिखाती हूँ आपको, डंडा रखा मैंने, और दिल कर इससे जाके हाची की हड्डियाँ तोड़ दूँ। मेरे छोटे से फूल से बच्चे को इतना मार गया, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, सुबह से तो गुस्सा आ रहा है ना, जब से मैं चूमू की शक्ल देख रही हूँ। ओए मम्मा का लाडू, कोई बात नहीं मम्मा, बिल्कुल ठीक है, कान देखने इसका नीचे हो गया ऐसे, यहाँ से वहाँ पे पीछे काटा हुआ हाची ने, कसम खाया मर जाए हाची, मर जाए हाची, मर जाए, मेरे बेटे को इतना मार दिया। ये देखना यहाँ पे भी मारा हुआ है, मैंने बड़ी मुश्किल से रात को थोड़ी सी दवाई लगाई इसको, लगा नहीं दे रहा था, मेरे को भी काट रहा था बेचारे का, कान ना खराब हो जाए, कुत्ता कहीं का हाची। अरे क्या बताऊँ मैंने हाची रात को क्या मस्त पिटाई की। चूमू मैं सब जानती हूँ यार, रहने दे तू। अच्छा कोई बात नहीं, तेरे को हर बार ब्रेव होने की जरूरत नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। अच्छा पता है मेरे को सब, आपको पता भी है चूमू के साथ रात को क्या हुआ? क्या हुआ? शक्ल देखो उसकी, ये क्या, ये क्या हुआ? ये इसको कान के पीछे रात को 1 बजे और ये आंख में हाची ने मारा। क्या क्यों था ये बार, ये टेबल पे बेड पे क्यों पड़ा हुआ है लाश? चलो इसको छोड़ो, एम ही क्या था रात को गश्त मारने बार। अरे फिर मारा कैसे इसे? मुंह में डाल के इसको पूरा अपने, छोड़ ही नहीं रहा था, खून निकला हुआ है ये, बहुत खून निकला इसको, दवाई लगा इसको। अरे नहीं नहीं, मैंने हाची को पिछाड़ा, पता नहीं आपको पागल के सब आसे ना, क्यों बया था बात तू? चूमू को सुसु कराने ले जा रही हूँ, और अगर हाची मिले ना उसको मैं इससे मारूंगी डंडे से। चलो चुड्डू भी आया हाल चाल पूछने। चूमू ठीक है? हाँ यार ठीक ही है। ये देखना ये है वो बदतमीज जिसने चूमू को मारा रात को, तू आए तो देखो बताती हूँ मैं, बाहर कैसे ले जाऊँ उसको सुसु कराने? हाँ तो बताता हूँ देखो मैं। हाची डंडे से डरा नहीं तो उसको पत्थर मार के भगाना पड़ा, मम्मा भी आए थे भगाने के लिए, जा ही रहा था मेरे पे भौंक रहा था कुत्ता, उनका पाल पोस के इतना बड़ा किया, बड़ा आया मेरे कुत्ते को मारेगा। अब चूमू अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है सारी जगह, करो सारी जगह सुसु, पूरा एरिया आपका ठीक है, हाची बड़ा आया अपना एरिया करेगा, यहाँ पे मोह चलो करो टेरिटरी मार्क अपनी, चलो चलो कर सारा एरिया मेरे बेटे का ठीक है। वीडियो में पता नहीं चल रहा पर बहुत लग गया इसको, खून भी निकल रहा, दवाई भी नहीं लगाने देता। कान के पीछे दिखाओ, कान के पीछे ही बहुत लगी है, हाथ भी नहीं लगाने देता उस जगह। तो मम्मा और मैं कहीं जा रहे, बता नहीं सकते कहाँ जा रहे, बाद में बताएंगे, मतलब फिर कभी बताएंगे।
ये देखिए जुड़वा केले। ऐसे मेरे को किसी ने बोलते जुड़वा केले नहीं खाने चाहिए, पता है 1400 रुपए दर्जन। सच्ची हाँ महंगाई देखो कितनी हो गई है। बड़ी मुश्किल से हमको एक बस मिली और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। गुरुद्वारे ही बोलेंगे ना मम्मा, नंगाली साहब गुरुद्वारे तो लोगों को नहीं ना पता। हाँ तो मम्मा कहते हैं कि नंगाली साहिब बहुत मशहूर है पूरे इंडिया में। हाँ। तो नंगाली साहिब बोलते हम जा रहे हैं नंगाली साहिब। वो जूम कर रुक जाओ एक सेकंड, इशू वो जूम करके पहाड़ी की चोटी पे क्या है। तो मम्मा कहते हैं जूम करके दिखा ऊपर 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 पहाड़ी की। ये पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है, घर है ना किसी का मम्मा? कहीं दूर घर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा घर, कुछ और होगा फिर। और जूम और जूम नहीं होता मम्मा, बेकार है आईफोन। 1 लाख रुपए में बस इतना। तो वहाँ शादी हुई है, खाना खाने चले? आओ जी बोलो चले। नहीं तो शादी में आई है, जा शादी में। अच्छा तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे मैंने अपना 9th vlog बनाया था और बड़ी मेहनत से बनाया था। देखना मेरा 9th vlog जाके, अपना दिव्याल ED09 सर्च करना तो आपको वाला व्लॉग मिल जाएगा मेरा। लास्ट टाइम जब मैं नंगाली साहब गई थी तब मैं बीमार थी, तब चोमू नहीं था लाइफ में, तब जिंदगी अच्छी नहीं थी, तब यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी नहीं देते, तब 1000 भी नहीं हुए थे तब। अच्छा हाँ तो अब देखो बीमारी भी ठीक हो गई है काफ़ी हद तक, और जिंदगी में चोमू भी है और चुमू ने मार भी खा ली। हाय शुंद्री मुंद्री बेचारे, मेरे को चुमू की याद आ रही है, उसने मार खाई हुई है। दुनिया की सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ प्रसाद यहाँ का। व्लॉग में मैंने वाली सीढ़ियाँ गिनी थी अगर आपको याद हो तो, मतलब आपने देखा ही नहीं होगा वैसे, देख लो पहला। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम से आना था, मतलब मथा टेकने कि थैंक यू बोलना भगवान जी को। तो आज मैंने शुक्राना किया, कुछ मांगा नहीं भगवान से, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, माँ है, चुमू है, हेल्थ है अच्छी। तो मथा टेक लिए, अब हम खान पान करेंगे, मतलब लंगर चखेंगे। तो मैंने यहाँ बैठ के कुछ फ़ोटो खिंचाए, फिर मेरे को चुमू की याद आ गई कि मेरा बेटा घर पे बीमार है, उसको लगी हुई, और मैं यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा रही हूँ गंजरियों की तरह। वेरी बैड शेम ऑन यू अपर्णा दिव्याल, तो खिंचवा तो मैंने लिए। अभी घर जाके शुंद्री मुंजे को लाडू दूंगी। ओह अब जाएंगे लंगर चखेंगे फिर घर जाएंगे। तो लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाया था मैंने काफ़ी नौटंकियाँ की थी। क्या नौटंकियाँ की थी आप देख लेना, 9th number वाला व्लॉग है। नीचे जाके काफी ड्रामे किए थे जहाँ पे मैंने फोटो खिंचाए, सीढ़ियों में ड्रामे मार रही थी। अभी तक नीचे चढ़ानी पड़ी, मुश्किल से चढ़ रही थी। हाँ तो अब तो मैं स्ट्रांग हो गई हूँ ना पहले से। हाँ। पुड़ियाँ काफी ज्यादा हैं, देखो काफी ज्यादा हैं। तो अब मैं काफी मैच्योर हो गई हूँ इसलिए मैं अब नौटंकियाँ नहीं करती हूँ, अब मैं ड्रामे मारती हूँ। जस्ट किडिंग यार, मेरा बेटा घर पे बीमार है, मैं अभी नौटंकियाँ करती अच्छी थोड़ी लगती हूँ। तो अभी लंगर शुरू नहीं हुआ है, सफाई चल रही है और हम खाऊ आ रहे हैं, यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं खान पान का। अंकल आए पूछते चाय पीसो, मैंने बोला लेगी और पूछ पूछ दे दो, मम्मा नहीं पीते, मम्मा कहते नहीं। मैंने क्या नहीं किया, नहीं का क्या मतलब हुआ, चाय कोई दे रहा और मना करते हैं ऐसे, बुरा लगता है यार अगले बंदे को। तो चाय पार्टी कर रहे हैं, लंगर थोड़ा लेट है आज। मम्मा को मैंने सेवा पे लगाया, बोला क्यों बैठे हो आप पहले सेवा करो। जस्ट फीडिंग, मम्मा खुद अपनी मर्जी से आए। बहुत टेस्टी है ना यार। तो चलो जी खान पान हो गया और लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी था यार, शादियों के खाने से ज़्यादा टेस्टी है ना मम्मा। और मथा भी टेक लिया है और अब जा रहे हैं घर चोमू के पास। ऑटो में बंदे ने इतनी सवारियाँ छोड़ी हुई थी और कहता 3 और छोड़नी है, मैंने सांस लेने की जगह नहीं ऑटो में और बंदे को और छोड़नी। कैसी है मेरी बेटी, कैसी है वो, कैसी है कैसी है कैसी चूमू भैया, कैसी चूमू भैया, ये घर जाके देखूंगी ना ठीक है कि नहीं। बहुत बड़ी हो गई है तू, रो क्यों रही है? अरे आंटी जी, आंटी जी, अरे नहीं अच्छा ठीक है। ईशु दीदी, ईशु दीदी देखो छोड़ के कहाँ गए थे, बीमार हो नहीं? कोई आपके लिए प्रेयर करने गई थी। होए मैं चुमू की आंख देखना कितनी सूज गई है यार, क्या करूं अब? दवाई लगाती रहे, साफ साफ ठीक होगा, एंटीबायोटिक ठीक कैसे होगा, इतनी इतना मोटा हो गई इसकी आंख, एंटीबायोटिक देने का पास पड़ जाएगा। हाची को तो मतलब इतना मारू ना मैं कसम से, कुत्ते का बच्चा। चुमू की शक्ल देख के इतना दुख लग रहा है उसको, इतना मारा हाची ने, पूरे ऐसे दांत गड़ा दिए चुमू के अंदर। हाची इतना एहसान फरामोश है ना, उसको आज तक हमने इतनी मरम पट्टी की है जब जब उसको लगी है और इतना एहसान फरामोश निकला। तो मैंने डंडा रखा, शाम को हाची को इससे मारूंगी। मेरे अंदर इतनी आग है ना हाची को मारने की, चाहे कुत्ता है चाहे बेजुबान है, पर उसने मेरे बेटे को मारा तो मारा कैसे, मेरे को बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है मेरे को। कोई इंसान होता उसको 10 गालियां निकाल के दिल ठंडा कर देती। तो मेरे डंडे से शाम को हाची को मारने की प्लानिंग है, पर मार तो सकती नहीं ना यार बदतमीज को, पर मैं यहाँ पे अपना गुस्सा निकालूंगी, पर इससे मारूंगी। मैं इमेजिन करती हूँ यहाँ पे हाची है, मैं उसको इतनी जोर की इस वक्त मार सकती हूँ, अगर मैं गंदी इंसान हूँ ना 1% भी, मैं हाची को बड़े आराम से इतनी जोर की मार सकती हूँ। एक माँ होती है ना, माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये मैं अब जानती हूँ।
अब मैं चोमू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हाची को आज नहीं छोड़ूंगी शाम को। इतनी ज्यादा लगी मेरे को थोड़ी पता था, देखना मेरे बेटे का ख्याल कर क्या। चोमू आपकी माँ बदला लेगी, आज बदला लेगी तेरी माँ। छोड़ो ईशु दीदी, क्या ही बदला जदला, मैं खुद मार दूंगा उसको। सुंदर हूँ ना मैं, इसलिए चिढ़ता है मेरे से। मैं लेके सारी कुत्तियां मेरे पे मरती हैं। हाँ यही रीजन है, मेरे को भी यही लगता है। सड़ता है वो मेरे बेटे से, सड़ता है वो। हाची बहुत सड़ता है। हाची पुंछ का सबसे टॉक्सिक कुत्ता है। इतना टॉक्सिक कुत्ता मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। आप कुत्ते को एक सूखी रोटी दोगे ना तो भी बहुत वफादार हो जाएगा आपका, लेकिन हाची उससे हमने इतनी हमदर्दी की, उसने मेरे को ये दिन दिखाया कि मेरे बेटे को मारा उसने। आज मैं हाची को नहीं छोड़ूंगी शाम को। एक डंडा तो पड़ेगा राघव उसको लात में, एक डंडा तो पड़ेगा। मेरा बेटा है वो, बेजुबान। बेजुबान तो वैसे हाची भी है पर बदतमीज है वो, बेशरम। तो चोमू के दुख में मैं थोड़ी चाय पार्टी कर, मैं चाय पी लेती हूँ। पार्टी नहीं कर रही हूँ, राघव और मैं दुख साझा कर रहे हैं चाय पी के। शाम को हाची का साझा करेंगे दुख, बताते हैं उसको। कहाँ जा रहा है शुक्री मुंदरी? चोमू वो लग रहा है यार, वो करेक्टर नहीं आता है एक लायन मूवी में जहाँ पे वो शेर घायल होता है एक, जिसको यहाँ पे कट कुट लगे होते हैं, चोमू वो लग रहा है। तो मैंने वेट को बुलाया, शाम को वो देख जाएंगे चोमू को, और चोमू को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगेंगे क्योंकि कुत्ता गली गया ना, उसको क्या पता कहाँ से कहाँ कहाँ से मुंह मार के आया गंदा बदतमीज। अब मेरे को हाची से नफरत होगी, उसने मेरे चोमू को मारा, उसने लिहाज नहीं किया, नमक हराम निकला हाची। मेरे को बहुत गुस्सा हाची पे। चीयर्स, चाय पार्टी करो। चीयर्स, आओ चीयर्स करते हैं सारे। चार बंदे तो नहीं खड़े यहाँ पे। तो राघव और मैं दोनों चोमू को घुमाने लाए इस बार हम कैरी के साथ। कैरी के साथ वैसे ओ देना, वो हाची वो खड़ा हुआ है। आ तू दर्दे को बताती हूँ मैं खसम खाया, डंडा देख रहा तू? ये देना ये खड़ा है, बेशरम बेगैरत नमक हराम। इसमें मुंह चल, हाची के सामने टेरिटरी मार्क की जा रही है, चोमू का एरिया है ठीक है, मेरे एरिया में एंटर नहीं करने का। अपने मल्ले में जा वापिस। ओ हाची आ रहा है पीछे, चल चोमू चल। चोमू मार कर, तू सारी टेरिटरी मार्क कर आज, हाची की ऐसी की तैसी कर देंगे, मार देंगे उसको। वो देना आ रहा है, चल तू आगे चल चल, पूरा एरिया तेरा, पूरा पूछ तेरा है, पूरा पूछ। मैं बताऊंगी चोमू को मैं। आ रहा देना, आ रहा खत्म खाया। इसकी हिम्मत कैसे है यार आने की? चोमू मुंह तो टट्टी भी करो यार। लगता है उसने हमारे हाथ में डंडे नहीं देखे। डंडा एक्सचेंज कर ले, अगर मारा तो फिर उस पतले डंडे से मारेंगे ताकि हाची को लगे ना। ऐसे दिखाएंगे डंडा भाग जाएगा। चोमू नहीं, खुद देख लो मामा मेरे लिए क्या लेके आए। अगर आपको पता नहीं है इसको नशास्ता कहते हैं, पता ही होगा आपको, आपने भी खाया ही होगा। तो अगर मम्मा इसमें येलो कलर ना डाले ना तो फिर इसकी शक्ल फिर भी ठीक लगे। मम्मा इसमें येलो डाल के ना इसको पता नहीं कुछ और ही बना देते हैं। अब बोल नहीं सकती मैं, व्यूज कम हो जाएंगे मेरे, राघो कहता अगर तूने वो वर्ड इस्तेमाल किया तो। तो कोकी का सामान रेडी कर दिया है, तो पहले कोकी का खात्मा मतलब ट्रीटमेंट ड्रेसिंग करके आऊँ, फिर चोमू का कर रहा है। वो ये सीन थोड़ी दिखाना, क्या कर रहे तू? तो कोकी काफी रिकवर हो चुकी है, इसकी काफ़ी खुशी है मेरे को, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं कोकी पे, रोज ड्रेसिंग करते हैं, तो अब शायद कोकी ठीक हो जाएगी। पहले आईफोन में क्रोम हैंग मार रहा था, मैंने सह लिया, मतलब वो सह लिया मैंने, कोई बात नहीं चलेगा। फिर आईफोन में कैमरा हैंग मारने लगा, मैंने ये भी सह लिया, बल्कि सहने वाली चीज़ नहीं क्योंकि मेरे को कैमरा ही चाहिए, व्लॉगिंग ही करनी है मैंने, और कैमरा हैंग मारता है। मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ 2 सेकंड का, बीच में रुक जाता है, बस आधे मिनट के लिए रुका रहता है, उसके बाद चलता है। और मतलब मैं कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट शूट कर रही हूँ वो रह जाती है, इतना हैंग मारता है आईफोन। और तीसरी चीज आज जो शुरू हुई, फोन चार्ज होना बंद हो गया, दिन को इन्वर्टर पे लग गया, सिंपली नहीं लग रहा था लाइट पे, वो भी सह लिया, चलो ठीक है इन्वर्टर पे चार्जिंग कर लेंगे। और अब इन्वर्टर पे भी चार्ज नहीं हो रहा, फोन चार्ज ही नहीं हो रहा। दिल कह रहा आईफोन जहां से उठाया ना मैंने उधर जाके तोड़ूं, किसी का सिर फाड़ूं या अपना सिर फाड़ूं, और मेरे पैसे वापस चाहिए। तो ऐसे करके मैंने चार्जिंग का जुगाड़ तो किया, पर आईफोन करंट मार रहा है, पूरा आईफोन से मतलब हाथ लगा रहे हो ना करंट लग रही है। तो बस वाले ने हमको काफी नीचे उतार दिया, अब हमको बहुत ऊपर जाना है पैदल जा। तो बस वाले ने हमको मैंने बता दिया, बस वाले ने हमको नीचे छोड़ा। तो अब मुंह बहुत मलाई को पता है, मुंह से निकलते ही नहीं हो कुछ यार। तो अब हम पैदल जा रहे हैं, मतलब काफी चढ़ाई है, पैदल चलना पड़ेगा। हंस रही हूँ यार, चढ़ाई है, बड़ी चढ़ाई है, मतलब चढ़ाई है ना एक तरह से, थोड़ी थोड़ी। तो वीट स्टार्च नहीं होता, कॉर्न स्टार्च होता शायद। अच्छा नहीं नहीं डंगर, अच्छा नहीं, 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 वीट से बनता, अच्छा अच्छा हाँ वीट से बनता है वो, मुश्किल। अपने आपको बोल डंगर, डंगर डालूंगी नहीं सीन में, चल अच्छा जी मैं क्यों डालू जिस सीन में, मैं डंगर लग रही हूँ मैं क्यों डालू, हट मैं डालूंगी यार, डरती थोड़ी भुजल थोड़ी हूँ मैं, डालूंगी यार ब्लूपर में। जोगिंदर खराब आई, जोगिंदर मैं मार दूंगी, जितना नहीं बोल रही हूँ, जब व्लॉग कर रही हूँ तो भी वो अपना मुंह फाड़ना होता है क्रिंज किंग का, बंद कर मैं बोल रही हूँ ना कुछ, बोल रही हूँ ना मैं कुछ, क्या बोल रही थी पैंट।